म्यूनसिपल काउंसिल कैप्टन पारल, इंजीनियर जावेद अहमद प्रिंसिपल ITI, यहाँ सारे बैठे मेहमानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम बुशरा है और मैं सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ सखी वन स्टॉप सेंटर बारामूला में। पहले तो मैं आपको सखी वन स्टॉप सेंटर का मकसद क्या है वो बताना चाहती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर सरकार ने वजूद में उन खवातीन के लिए लाया है जो किसी भी तशद्दुद की शिकार हैं, जिनके साथ किसी भी किस्म का वॉयलेंस हो रहा है, चाहे घर पे हो रहा है, काम करने वाली जगह पे हो रहा है, पब्लिक प्लेसेस में हो रहा है, आप गाड़ी में हैं वहाँ आपके साथ वॉयलेंस हो रहा है। गर्ज ये है कि कहीं भी अगर आपके साथ तशद्दुद हो रहा है, आप हमारे पास आके अपना केस रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो केसेस आते हैं, जो लड़कियां, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बहू है उसके साथ ससुराल में वॉयलेंस हो रहा होगा, लड़कियों के साथ भी वॉयलेंस होता है, घरों में भी होता है, जहां वो पढ़ते हैं, काम करते हैं, वहां भी वॉयलेंस होता है। तो वॉयलेंस के लिए बहू होना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जितने केसेस आते हैं, लड़कियों के ज़्यादा केसेस आते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि कॉलेज और हायर सेकेंडरीज में या 14 to 18 एज ग्रुप अगर हम लेंगे लड़कियों का, उन लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग के ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। फ्रेंड्स बनते हैं, फेक IDs बनती हैं सोशल मीडिया पे, नंबर्स जब शेयर होते हैं फिर फ़ोटोज़ वायरल कराने की धमकियाँ देते हैं। तो ऐसे हमारे पास अभी तक 14 to 15 केसेस आए हैं जिनको हमने पुलिस की मदद से उनकी मदद की है लड़कियों की। देखिए, अगर हम ड्रग्स को इसके साथ जोड़ते हैं, ड्रग्स सिर्फ वो नहीं है कि जो हमारे दिमाग में है कि लोग नशा करते हैं, जो लड़कियां ब्लैकमेलिंग की शिकार हैं वो भी तो ड्रग्स लेती हैं ना, वो भी डिप्रेशन की शिकार हैं, तो वो जो डिप्रेशन की दवाई पे डिपेंडेंट है वो भी तो ड्रग्स है। ड्रग्स सिर्फ इंजेक्शन करना नहीं है या बाकी सारी चीज़ें, सिगरेट पीना नहीं है। तो जो लड़की उस दवाई के सहारे पे है, जी रही है उस दवाई से, उसको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं जहाँ फिर उसको दवाई लेनी पड़ती है, वो भी ड्रग्स है, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हैं। आपको लगता है दवाई खाई मैं सो गई और जो वो टेंशन है ब्लैकमेलिंग से, जो मुझे परेशानी हो रही है, वो मसला मेरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत है। एक ना एक दिन आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। और जो सखी वन स्टॉप सेंटर में क्या है, अगर आप हमारे पास केस रजिस्टर करते हैं, जैसे हमने लिखा है, नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ये फिर हमें फॉरवर्ड करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला को देखती हूँ, चाहे वो लड़की बारामूला की हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट की हो, शादी बारामूला में हुई है, वो भी हमारे पास केस रजिस्टर कर सकते हैं। 181 ये नंबर है और हमारा लैंडलाइन नंबर है 01952238181, वो भी है, वहाँ भी आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ, जो हमने ये स्टैंडीज लगाए हैं, आप इस पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक है, ट्विटर है, हमारा मेल ID है। गर्ज है कि आप किसी भी माध्यम से हमारे पास आके केस रजिस्टर कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 252 केसेस रजिस्टर हुए हैं, डिफरेंट इश्यूज़ के केसेस हैं। आप देख सकते हैं हमारी सर्विसेज क्या हैं, हम फ्री लीगल एड देते हैं। जिस भी खातून को वकील की ज़रूरत पड़ती है, लीगल एड की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बोलूँगी वकील की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। कश्मीर में बहुत ट्रेंड चल रहा है दूसरी शादी करने का। दूसरी शादी तो ये लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पहली बीवी और बच्चों के साथ क्या होगा, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। शादी करना आसान है, मेहर दे दिया, लोन निकाल लिया और हो गई शादी, पर जो वो बच्चे फेस कर रहे हैं उनका कोई नहीं सोचता। तो उसमें क्या हम लोग उनकी मदद करते हैं, थ्रू लीगल एड, जब हम उनको मुफ्त वकील देते हैं, पहले तो उसको वकील की फ़ीस बच जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि जो उसका मंथली खर्चा जो होता है, मेंटेनेंस जो होता है उस फीमेल का और उसके बच्चों का, वो हम दिलवाते हैं। और कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं होती है, मतलब मायके में भी जगह नहीं देते हैं, तो उन केसेस में हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको थ्रू कोर्ट हम लोग प्रोटेक्शन ऑर्डर दें, ताकि जहां उसका हस्बैंड और उसकी दूसरी बीवी रह रही है वहीं पे उसको एटलीस्ट एक कमरा, किचन और वॉशरूम मिल जाए, ताकि उसको छत मिले बैठने की, ठीक है। वहां पे हम लोग लीगल एड देते हैं उसमें। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, पुलिस असिस्टेंस। पुलिस असिस्टेंस हमें, जैसे साइबर केसेस हैं, लड़कियों के जो केसेस आते हैं ब्लैकमेलिंग के, वहाँ हमें पुलिस असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और हम साइकोसोशल काउंसलिंग है, लीगल काउंसलिंग देते हैं हम लोग, शेल्टर देते हैं। जैसे किसी लड़की को तो निकाल दिया घर से, ससुराल से भी निकाला, मायके वालों ने जगह नहीं दी, हमें उसको 5 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का शेल्टर देते हैं, उसको अपने साथ हम रखते हैं 5 दिन, कोशिश करते हैं कि वही 5 दिन में उसका मसला हल हो जाए। अगर नहीं होता फिर हम उसको कुफारा में सुधार घर है वहाँ शिफ्ट करते हैं, तब तक जब तक उसका मसला हल हो जाता है।
सखी वन स्टॉप सेंटर में आप लोग किसी भी एज ग्रुप के केसेस हम लोग लेते हैं लड़कियों के, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं तो सिर्फ यही वायलेंस की शिकार है, हो सकता है आपके घरों में भी ये चीज़ें हैं। देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई मसला है, लेकिन बात सिर्फ यहाँ रह जाती है कि कोई सामने नहीं आता है। अगर आप हमारे पास केस रजिस्टर करते हैं, हम किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, हमें किसने बोला, आप किसी और के बदले भी केस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके नेबर्स में है, आपकी कोई फ्रेंड है जो तशद्दुद की शिकार है, आप उसके बदले केस रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमें किसने केस रजिस्टर किया, किसने आपकी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि वो किसी वायलेंस की शिकार है। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास, मैं दो तीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमने अभी रिसेंटली एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस सॉल्व किया है। कश्मीर में आप लोगों को पता ही है कि यहाँ ज़्यादातर बाहर से लोग आते हैं शादी करने के लिए, है ना, जो हम बाहर से वेस्ट बंगाल से लाते हैं, कुछ यूपी से आती हैं, बिहार से आती हैं। तो दिलना में ही एक फ़ीमेल थी जो वेस्ट बंगाल से आई थी 10-12 साल पहले, और जब वो आई थी तब वो 13 साल की थी, उसको नहीं पता था कि शादी क्या है। ज़बरदस्ती उसके कज़न ने शादी करवा ली, शादी हो गई, अच्छी फैमिली में शादी हो गई, हस्बैंड गारमेंट जॉब करता है, उसके बच्चे भी हो गए। बट क्या हुआ कि शादी के 2-2.5 साल के बाद ही, तब तक तो वो घर वालों से बात करती थी, उसका फ़ोन कहीं मिसप्लेस हो गया तो घर वालों का कॉन्टैक्ट गया उसका, नहीं कर पाई घर वालों से बात। तो रिसेंटली उसने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया कि मुझे घर वालों से बात करनी है। अब जिसके साथ शादी हुई है उसको तो पता ही नहीं है कहाँ की, इसके पेरेंट्स कौन है। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको 5 दिन का शेल्टर दिया हमने अपने पास रखा, वेस्ट बंगाल की गारमेंट के साथ टाई अप करके उसका एक वीडियो हमने बनाया जो हमने वेस्ट बंगाल में वायरल करवाया सोशल मीडिया पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको घर वालों तक बात करवाई, हमें वीडियो कॉल पे बात करवाई, उसका कॉन्टैक्ट लाया, 10 साल के बाद वो अपने घर वालों से मिली, ठीक है। और अभी उसके घर वाले आ भी रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही और बहुत सारे केसेस हैं। मुझे लगता है कि जब ये वजूद में आया सखी वन स्टॉप सेंटर, लड़ाइयाँ तो हर घर में थी। मेरे पास जो भी केसेस आते हैं, कुछ का है कि 9 साल से हम लोग सहन कर रहे हैं, कुछ का है 12 साल से हस्बैंड हमें खर्चा नहीं देता है, जी मायके वाले हमें पैसे देते हैं, बच्चों को चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो वायलेंस था पर शायद जगह नहीं थी कहीं जहां वो रिपोर्ट करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने 142 फैमिलीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ किया है जो अभी खुशी खुशी अपने घरों में रहती हैं। और एक बात है कि जैसे जो कोर्ट में भी मसले हल होते हैं, पुलिस स्टेशन्स में भी मसले हल होते हैं, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर अलग क्यों है? एक तो ये है कि हमारे ऑफिस में सिर्फ फीमेल स्टाफ है, ताकि जो औरत हमारे पास आए वो कंफर्टेबल हो, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ तो सारे मर्द बैठे हैं, मैं मर्दों के सामने अपनी बात कैसे जाहिर करूँगी। ऐसा नहीं है, हमारा सारा फीमेल स्टाफ है, 2-3 लोग हैं हमारे जो सिक्योरिटी के बंदे हैं वो मेल हैं, बाकी हमारा पूरा स्टाफ फीमेल का है। और अगर हमारे दफ्तर में किसी कपल का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हर महीने हम उसका फॉलो अप लेते हैं, हम उनको छोड़ते नहीं हैं। और हम उस फीमेल को यही बात बोलते हैं, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी फ़ाइल हमारे सेंटर में है, ताकि दोबारा वो उसी तशद्दुद की शिकार ना हो। और हर महीने हम उसको कॉल करके पूछते हैं कि यहाँ जो आप लोगों ने, आपके हस्बैंड ने जो लिख के दिया है, दोबारा हाथ नहीं उठाएगा आप पे, अब आपको ये इकोनॉमिकली टॉर्चर नहीं करेगा, मेंटल टॉर्चर नहीं करेगा, कैसा है? और शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक सारे केसेस जो हमने कॉम्प्रोमाइज़ करवाए हैं सारे अच्छे से रह रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। शुक्रिया।